ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, फाइनली दिल्ली सहायता योजना का लिंक को अपडेट कर दिया गया है। लेकिन काफ़ी सारा ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर, मैं अप्लाई करता हूँ तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो अप्लाई करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, दरअसल दिल्ली में कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इसी बीच देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपया देने का घोषणा की थी, जिसमें जिन लोगों को 2020 में यानी कि पिछले साल 5,000 रुपया ऑटो टैक्सी चालक को मिला था, उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसे ऑटोमेटिक पुराने डाटा के बेस पे यदि आधार कार्ड बैंक से लिंक होगा तो उनके अकाउंट में कल शाम तक आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद जिन लोगों ने 2020 में अप्लाई तो किया था लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिला था, या फिर 2020 में उन्होंने अप्लाई ही नहीं कर पाया, तो उन लोगों को क्या करना है। तो सिंपल, आपको पता होगा फाइनली इस लिंक को अपडेट कर दिया गया है। लेकिन ये लिंक जो है, इस पे जब हम आवेदन करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रहा है। तो दरअसल ये प्रॉब्लम आता क्यों है, आप लोगों को पता होगा कल के डेट में कैलाश दे अपने फेसबुक पेज पर लाइव आए थे और उन्होंने बोला था ये वेबसाइट है अभी जो फिलहाल में ट्रायल पे चल रहा है, ये वेबसाइट मंगलवार शाम तक पूरी तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और इस सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण ये सर्वर पूरी तरह से क्रैश हो गया हुआ है। तो कल शाम तक आप लोगों को वेट करना है, वेबसाइट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया जाएगा। और आप लोगों को है ना, अदर वेबसाइट से आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। इस वेबसाइट का लिंक transport.delhi.gov.in पे इस लिंक को अपडेट किया जाएगा, या फिर delhi.gov.in पे, तो आप लोगों को वहाँ से अप्लाई करना है। तो ये सब प्रॉब्लम ऐसा आता क्यों है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें ऑटो टैक्सी चालक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और काफ़ी लोग यहाँ पे जिन लोगों को 2020 में अप्लाई तो किया था लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले थे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्लाई ही नहीं कर पाया था, तो वो लोग एक साथ है ना इस वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। इसकी वजह से ये लोग वेबसाइट पूरी तरह से, यानी कि ये जो लिंक है पूरी तरह से क्रैश हो गया हुआ है। तो कल शाम तक आप लोगों को वेट करना है और पूरी तरह से इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप लोगों को पैसे नहीं मिला है पिछले साल या फिर आप लोग आवेदन नहीं कर पाए थे। यदि इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, तो यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सोल्यूशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।